इंटरनेट वाली फ्रेंड मतलब ये उसी की टेबल है। मेरे लिए कार्ड और गिफ्ट भी लेके आया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? एक्चुअली जो इस टेबल पे बैठे थे वो कहाँ पर है? मैम वो बाहर गए। ओके। हाँ हाँ आ गई मेरी इंटरनेट वाली फ्रेंड। मैं बाद में करता हूं। मैडम आपका ऑर्डर। हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, तो वो जब आएंगे हम साथ में ऑर्डर करेंगे। थैंक यू। ओके मैम। नहीं, ये नहीं हो सकता। आद्या मेरी इंटरनेट वाली दोस्त नहीं हो सकती। इत्तफाक होगा ये, उस दिन की तरह आज भी आ गई होगी ये। जो इंसान एक लेटर में ऐसी बातें लिख रहा है, सामने से कैसी बातें करेगा वो? ये सोच सोच के मेरी स्माइल ही नहीं रुक रही। कहाँ हो तुम? आ गई हूँ मैं, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। चले गए तुम, जवाब भी नहीं दे रहे, क्या हुआ? डैमिट, क्यों? तुम ही क्यों? पूरी दुनिया में तुम्हें ही मेरी इंटरनेट वाली दोस्त बनना था। मुश्किल से कोई दोस्त बना था इंटरनेट पे, उससे भी ठीक से मिलना नहीं हो रहा। नहीं, वो फिर मुझसे बिना मिले चला गया क्या? इतना कुछ एक लेटर में लिख दिया तुमने मेरे लिए, लेकिन मिलना नहीं चाहते। नहीं मिलना चाहता हूं तुमसे। मेरी लाइफ में सिर्फ एक इंसान है जिससे मैं नफरत करता हूं और वो हो तुम। कोई रिश्ता नहीं बनाना मुझे तुमसे। कैफे बंद करने का टाइम हो गया है। आप भी 3 घंटे से किसी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो नहीं आया। नहीं नहीं, आप एक्चुअली वो आए थे, वो ये गिफ्ट और कार्ड भी रखे गए हैं। आपने तो देखा होगा ना उन्हें? उसमें बहुत कस्टमर्स थे, तो ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, आप एक सेकेंड, ये आप रख लीजिए, और अगर कोई लड़का इंटरनेट वाली दोस्त के बारे में पूछे तो उसे ये दे दीजिएगा।
मैडम यहाँ कई लोग आते हैं इंटरनेट पर दोस्ती करके, पर अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि वो जो इंटरनेट पर दिखते हैं वैसे होते नहीं। क्या इंटरनेट को लेकर मेरी सोच सच में सही थी? मुझसे सच में इतनी बड़ी गलती हुई है? पापा, कुछ तकलीफ हुई क्या तुझे वापस आते हुए? नहीं पापा, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने वोडाफोन इमरजेंसी अलर्ट के बारे में जो बता दिया था, फिर कैसे कोई दिक्कत होती? अगली बार घर लौटते हुए कभी लेट हो रही हो ना, या फिर अनसेफ फील कर रही हो, तो वोडाफोन सखीज इमरजेंसी कॉल अलर्ट का जरूर ध्यान रखना। इसको एक्टिवेट करोगी तो मेरे साथ साथ 10 लोगों को अपनी लोकेशन शेयर कर पाओगी। इधर बैठ। सगाई को लेकर परेशान है? ये सोच रही है कि वो बड़े लोग हैं, हम लोग उनकी बराबरी कैसे करेंगे, खर्चे इतने सारे हैं, कैसे होगा क्या होगा? इसको खोल। ये क्या है? खोल खोल खोल, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है ये। महाराजा ऑफ जोधपुर ने दिया था, प्रेजेंट 11 के लिए मैच खेल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हैट्रिक ली थी मैंने उस मैच में, मैच बदल गया था पूरा का पूरा। खेल खत्म होने के बाद खुद आए थे वो ड्रेसिंग रूम में ये गिफ्ट देने के लिए। इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बहुत तकलीफें सही है तेरे बाप ने, बहुत परेशानी आई, लेकिन मैंने इनकी तरफ कभी आंख उठा कभी नहीं देखा। पता है क्यों? जिस दिन तो हुई थी ना, मैंने तय कर लिया था कि इनको तो उसी दिन निकालूंगा जिस दिन मेरी आदू की शादी होगी। चल बहुत हो गई इमोशनल बातें, तू एक काम कर, जा फ्रेश हो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तो चाहकर भी मैं सगाई के लिए मना नहीं कर सकती। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिससे राय मांग सकती हूँ वो इंसान भी गायब है। कहाँ हो तुम? वहां तक आकर भी क्यों नहीं मिले मुझसे? क्या हो गया ऐसा? मेरा सर भी ना। हत्या कैसे हो सकती मेरी इंटरनेट वाली फ्रेंड? उसमें वो क्वालिटीज ही नहीं है। वो कहाँ इतनी स्वीट है, और आत्या एक नंबर की ड्रैगन है। ड्रैगन सिर्फ आग उगलती है। आदिया। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये सब कुछ एक गलत फहमी है। आदिया के साथ कुछ भी पॉसिबल है। स्यापा क्वीन है वो। हाय,
अरे मेरी, कल कितना वेट किया मैंने तुम्हारा, उसे गिफ्ट रख के चले गए और महीने तक नहीं आए, क्यों? डैम, ये तो भैया। क्या हुआ था? बोलो ना, क्यों नहीं रुके मुझसे मिलने के लिए? सेम टाइम पे मैसेज आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, हजारों के साथ ऐसा होता है। Whatever it is, मुझे अपना डाउट क्लियर करना होगा। हाय आविर, मैं जानता हूं बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें, बहुत इंतजार भी करवाया, पर क्या तुम बिना किसी सवाल मेरी एक बात मानोगे? क्या तुम प्लीज मुझे अपनी एक सेल्फी भेजोगी? सेल्फी? मिलने से पहले सेल्फी क्यों चाहिए इसे? अरे मुझे सेल्फी लेना नहीं आता। तो किसी से खिंचवा लो ना। नो 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 नो, प्लीज प्लीज गनू जी, ये कोई इत्तेफाक ही हो, प्लीज प्लीज। क्या यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बट जय, अच्छा हो तुम मुझे यहीं पे मिल गए। एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बाद में बात करूं, प्लीज अभी जाओ। पर जय, मैं तुमसे कुछ बात, मेरे कान अभी जाओ यहां से, मैं बाद में बात करता हूं। पता नहीं वो मुझे अपनी फोटो भेजेगी या नहीं। आ गई फोटो, मुझे यकीन है कि आध्या और ये सेम नहीं है। आई नो इट। ये फोन को भी अभी हैंग होना था। कि फोटो मांग के ऑफलाइन क्यों चला गया? दिक्कत क्या है इस लड़के के साथ? हो क्या गया इसे? ये फोटो क्यों नहीं सेंड हो रही है? गॉड डैम इट, वेयर इज दिस? आध्या कहाँ रह गई थी तुम? कम ऑन स्टार्ट द शो। यस तनीषा, बस आध्या को गो। हे दिल्ली वालों, आपका वेलकम है आपके फेवरेट शो हेट से हॉट कपल में। मैं हूं आरजे जय और मेरे साथ है आध्या, एंड वेलकम टू 104.8 इश्क एफएम। हाय दिस इज आध्या, एंड हम जानते हैं कि आप सबको हमारा शो बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को इतना महान समझते हैं कि उन्हें लगता है वो जो कुछ भी करे वो सब सही है। और तो और, वो खुद की सोच को सही साबित करने के लिए चोर या डाकू तक बन जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, उनको सुधारना ना इतना मुश्किल होता है कि बस क्या बताएं। एंड और मुझे पता है कि आप सबने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। जय,
तुम्हारा मूड क्यों खराब है? और तुमने शो में भी कुछ नहीं बोला। बात मत करते हैं। थैंक गॉड फोटो चली गई और उसने देख ली। आद्या तुमने अभी तक ब्लॉग पूरा नहीं किया। नहीं तनिषा एक्चुअली मैं वही कर रही थी। जल्दी करो प्लीज। हाय सम्राट आप यहाँ? हाँ मुझे लगा कि हमारी सगाई तय हो गई और आज तक हम दोनों अकेले कहीं बाहर नहीं गए। So I thought I'll take you out for dinner. सम्राट मेरा अभी तक काम भी खत्म नहीं हुआ है। So it's okay. तुम काम खत्म कर लो मैं बाहर रुक जाता हूँ। नहीं एक्चुअली हम प्लीज किसी और दिन चल सकते हैं? आज मन नहीं है मेरा। कल ऑफिस के बहाने बाहर घूम रही थी तब बड़ा मन था, आज मैं बोल रहा हूँ तो मूड नहीं। क्या हो गया था? एनी प्रॉब्लम? आई मीन मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑनलाइन आ गया, मैसेज करूँ क्या? क्या हुआ था? किसी का फोन आने वाला? नहीं नहीं कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई। आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी कुछ? नहीं बस एक ग्लास पानी चलेगा। ओके हाँ मैं अभी लाती हूँ। आजकल आध्या फोन में बड़ा बिजी रहती है, देखना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। सम्राट हुँ? आप मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख सकता? जी आप देख सकते हैं लेकिन इस समय आप मेरा फोन देख नहीं रहे, आप चेक कर रहे हैं। हाँ चेक कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है तुम्हें? पूरा हक है तुम्हारा फोन चेक करने का मुझे। और ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो मैं नहीं देख सकता? सम्राट ये मेरा ऑफिस है, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज चिल्लाइए मत। क्यों नहीं चिल्लाऊं? अरे देख रहे हो तो देख रहे दो, आई डोंट केयर। क्या हो रहा है सब? अरे यार पता नहीं एक लड़का कौन है बेकार में आधे को तंग करे जा रहा है। तुम मेरी मंगेतर हो, तुमसे सगाई हो चुकी है, मेरी सवाल पूछने का पूरा हक है मेरा। सम्राट आप अभी से सबके सामने मेरा फोन चेक कर रहे हैं, अभी हमारी सगाई होने वाली है, हुई नहीं है। क्या कहा तुमने? सगाई होने वाली है। मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, दो दिन में सगाई है हमारी और तुम मुझे ऐसे उल्टा जवाब दे रही हो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.